यार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैडमिंटन के कुछ रूल्स, बेसिक बेसिक वाले बताऊंगा जिनसे आप बैडमिंटन आराम से देख सकें और स्कूल या कॉलेज में अकॉर्डिंग टू रूल्स खेल सकें, क्योंकि घर में खेलने के लिए हमें रूल्स की ज़रूरत नहीं होती भैया, हम जैसी मर्जी वैसे खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप स्कूल की किसी चैंपियनशिप या टूर्नामेंट या कॉलेज के में जाते हो तो आपको रूल्स का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज हम खाली सिंगल्स की बात करेंगे, अगर डबल्स की बात करने बैठ गया तो वीडियो लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो सिंगल्स क्या होता है? सिंगल्स वो होता है जिसमें एक पर्सन नेट के इधर और एक पर्सन नेट के इधर खेल रहा होता है, और डबल्स क्या होता है? जिसमें दो इधर खेल रहे होते हैं और दो उधर खेल रहे होते हैं। हम बात करते हैं कोर्ट की, क्या सिंगल्स और डबल्स का कोर्ट सेम होता है या फिर आप उसे हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिंगल्स को फायदा दिया जाता है चौड़ाई का। यहाँ पे जो सिंगल्स के ग्राउंड की चौड़ाई होती है या फिर कोर्ट बोलते हैं जिसे आप, उस वो होती है 5.18 मीटर। वहीं डबल्स के कोर्ट की चौड़ाई होती है 6.10 मीटर। यहाँ पे बाकी आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा ये जो ग्रे एरिया होता है उतने में खाली सिंगल्स खेला करते हैं, और ये जो साइड में वाइट एरिया है वो तब जुड़ता है जब डबल्स वहाँ पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं लंबाई की, क्या लंबाई में भी कुछ फायदा है? जी नहीं, लंबाई चाहे सिंगल्स का मैच हो चाहे डबल्स का मैच हो दोनों में सेम ही रखा जाता है। सिंगल्स के कोर्ट की जो लंबाई होती है वो होती है 13.40 मीटर, वहीं डबल्स के भी सेम ही सेम होती है। तो मैच शुरुआत होता है टॉस से, जो भी प्लेयर टॉस जीत जाता है वो चाहे तो सर्व कर सकता है पहले और वो चाहे तो कोई सी भी साइड चुन सकता है पहले। ये टॉस जीतने वाले प्लेयर की मर्जी होती है वो साइड चुनेगा या फिर सर्विस करेगा। बात करते हैं सेट्स की, कि बैडमिंटन में कितने सेट्स होते हैं। बैडमिंटन में मेनली 3 सेट्स खेले जाते हैं और तीनों ही 21, 21 और 21 के होते हैं, और जो भी प्लेयर 2 सेट जीत जाता है वो विजेता, मतलब वो विनर हो जाता है। ऐसा मैंने आपको बताया है कि पहला सेट 21 का, दूसरा सेट 21 का और तीसरा सेट भी 21 का, लेकिन जब तीसरा सेट चल रहा होगा तब उसमें जब 11 पॉइंट हो जाएंगे, तीसरे सेट में जब 11 पॉइंट हो जाएंगे तो साइड एक्सचेंज कर ली जाती है। पहले सेट में ऐसा नहीं होता, दूसरे सेट में ऐसा नहीं होता, लेकिन तीसरे सेट तक अगर गेम पहुंचा है तो फिर तीसरे सेट में ऐसा ही किया जाएगा। जैसे कि जो भी प्लेयर नेट के राइट साइड में होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा और जो लेफ्ट साइड में होगा वो राइट साइड में जाएगा। ये काम होता है 11 पॉइंट के बाद, वो भी तीसरे सेट में। बात कर लेते हैं सर्व की, जिस भी प्लेयर ने पहली सर्व करनी है और जो भी उसकी राइट साइड होगी, जो बॉक्स उसका राइट साइड होगा वो वहां से सर्व करेगा। अब वो राइट साइड से ही सर्व क्यों करेगा? राइट साइड से वो इसलिए सर्व करेगा अगर पॉइंट्स में इवन नंबर होता है जैसे कि 0, 2, 4 तो फिर राइट साइड से सर्व होती है, अगर ऑड नंबर होता है तो फिर लेफ्ट साइड से सर्व होती है। वो चाहे किसी भी प्लेयर के लिए हो रूल्स सेम ही रहते हैं, अगर ऑड नंबर हुआ तो फिर वो अपने लेफ्ट साइड के बॉक्स से सर्व करेगा, अगर इवन नंबर हुआ तो फिर वो राइट साइड से सर्व करेगा। सर्व की बात करी जाए तो सर्व हमेशा क्रॉस में किया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे। जैसे कि अगर ए बॉक्स में प्लेयर खड़ा है तो फिर वो डी में सर्व करेगा, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर के दिख रहे हैं। अगर वो बी में खड़ा हो रखा है तो वो सी में सर्व करेगा, जैसे कि आप देख ही सकते होंगे। और जहां पे आप देख रहे होंगे शॉर्ट सर्विस लाइन लिखी हुई है, नेट से शॉर्ट सर्विस लाइन के बीच में अगर उसने सर्व कर दिया तो वो फाउल माना जाता है और अपोजिट प्लेयर को पॉइंट दे दिया जाता है। लेते हैं फाउल्स कैसे होते हैं या फिर पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। अगर आपकी कॉक बॉडी में टच हो गई है तो फिर अपोजिट टीम को पॉइंट दे दिया जाता है, या फिर आपका रैकेट नेट में टच हो गया है तो भी अपोजिट प्लेयर को पॉइंट मिल जाता है। कुछ छोटे मोटे रूल जैसे कि आप कॉक को होल्ड करके नहीं मार सकते हैं और एक बार में ही आपको कॉक नेट के पार पहुंचानी होगी, चाहे सिंगल्स खेल रहे हैं चाहे डबल्स खेल रहे हैं, नेट के नीचे से आप कॉक को नहीं मार सकते हैं, ये सब फाउल में काउंट होता है। मान लीजिए आपने जो रैकेट से शटल मारी थी वो शटल अपोजिट प्लेयर के उसमें थी और आपका रैकेट हवा में ही चाहे वो नेट के पार
हो चुका है तो भी वो फाउल माना जाएगा और अपोजिट टीम को बिना सोचे समझे पॉइंट दे दिया जाएगा। बात कर लेते हैं पॉइंट्स कैसे मिला करते हैं। वैसे तो फाउल्स के थ्रू भी पॉइंट्स मिला करते हैं, लेकिन वैसे पॉइंट्स कैसे मिला करते हैं, अगर मान लीजिए आपने शॉट मारा है और कोर्ट के बाहर कॉक चली गई और वहाँ पे ग्राउंड पे गिर गई है तो फिर अपोजिट प्लेयर को पॉइंट मिल जाता है। पर अगर आपने शॉट मारा है और शटल अपोजिट खिलाड़ी के ग्राउंड में कोर्ट में अंदर गिर जाती है तो फिर वो आपका पॉइंट माना जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपने शॉट मारा और जो आपकी कॉक थी वो नेट से टच होके आपके ही कोर्ट में गिर गई है तो अपोजिट प्लेयर को पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर नेट से टच होकर अपोजिट प्लेयर के ग्राउंड में गिर गई है या कोर्ट में गिर गई है तो वो आपका पॉइंट होगा, लेकिन ये सब नेट के ऊपर से होना चाहिए ना कि नीचे से। बहुतों के मन में ख्याल आ रहा होगा ये जो शटल है वो अगर वहाँ लाइन पर गिर गई है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने शॉट मारा और अपोजिट टीम की जो कोर्ट है उसकी लाइन पे गिरी हुई है, जितना सिंगल्स का होता है उस कोर्ट की लाइन पे अगर गिर गई है तो वो अलाउड किया जाता है और वो पॉइंट आपका होता है। बात करीजिए ब्रेक की बैडमिंटन में, क्योंकि ब्रेक सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है एक तो 11 पॉइंट्स के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, मतलब एक मिनट का पानी वगैरह पी सकते हैं, और उसके बाद जब सेट ख़त्म हो जाता है पहला या दूसरा या फिर तीसरा हो जाता है तब तो गेम ही खत्म हो जाता है। पहला या दूसरा सेट खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी थोड़ी देर के लिए आपका ब्रेक होता है। बात कर लेते हैं स्कोर लेवल हुआ। एक स्कोर लेवल कहने का सेंस मेरा है कि 21 का सेट था, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन अगर स्कोर 20-20 पे हो रहा है तो फिर ये मान लीजिए कि वो सेट पहुंच जाएगा आपका 22 पे। लेकिन अगर 19-19 लेवल हो रहा है तो ये मत सोचिए कि वो सेट 22 पे पहुंचेगा, नहीं, जब 20-20 होगा तो वो सेट 22 पे पहुंच जाएगा। और मान लीजिए फिर 21-21 हो गया तो फिर क्या, वो सेट पहुंच जाएगा 23 पे। ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन लास्ट पॉइंट तब आता है जब मान लीजिए दोनों के 29-29 हो गए हैं, 29-29 हो गए हैं, तो फिर आखिरी पॉइंट ये आता है कि वो सेट खाली 30 का ही होगा। जो जिसने पॉइंट 30वां ज़्यादा कर दिया तो वो सेट जीत जाएगा, चाहे भले ही पॉइंट लेवल स्कोर बराबर क्यों ना हो 29-29 का। लेकिन अगर 20 की बात करी जाए तो उसमें 2 का डिफरेंस कर दिया जाता है, लेकिन अगर 29-29 की बात करी जाए तो फिर सेट खत्म कर दिया जाता है 30 पे, जिसने 30 पॉइंट पहले कर दिए वो जीत गया। लीजिए दोस्तों आपकी शटल टूट गई है तो फिर आप रेफरी को बोल के शटल चेंज करा सकते हैं, और जब आप सर्व कर रहे होते हैं तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखिए जो बॉक्स बना है, जिस बॉक्स से आप सर्व कर रहे हैं उसके जो लाइन बनी हुई है वहां पर पाव नहीं होना चाहिए, आप बॉक्स के अंदर ही सर्व करने चाहिए। और सर्व कभी चलते चलते नहीं होती है, हमेशा खड़े ही होकर आपको सर्व करनी होगी। तो अब मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका पॉइंट है 0 तो उसे लव लव बोला जाएगा। अगर मान लीजिए 1-0 हो गया है तो फिर 1 और लव बोला जाता है, मतलब यह है 0 को बैडमिंटन में लव बोला जाता है। बाकी दोस्तों किस लाइन को क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में वो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।